विषय एक ईटे मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता 12095 CH01 उर हड़प्पाई मुहर चित्र 1.1 संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे। कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। एक हड़प्पाई मुहर। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक, चित्र 1.2 और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। मानचित्र 1 में से मिली है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी पृष्ठ 6 के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। चित्र 1.2 मनके, बाट तथा फलक। 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD हिंदी में ई लिखा पाते हैं। ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने BCE के लिए ईसा पूर्व, CE के लिए ई तथा बी विकसित हड़प्पा पुरोस्थल पी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। अरब सागर। मानचित्र 1 कुछ महत्वपूर्ण। चित्रकला पैमाना नहीं दिया गया है। सतलज नागेश्वर 1 आरंभ। चिनाव मांझ राखीगिरी बुनियादी निर्मित। कालीबंगन गंगा यमुना मोहनजोदड़ो आमरी बालाकोट साबरमती पोषण। 1 आरंभ LTE
आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। सिंध और चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। सिंध चोलिस्तान 106, 239 बस्तियों की कुल संख्या। आरंभिक हड़प्पा स्थल, विकसित हड़प्पा स्थल, नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 29, 37। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभान शैली से संबद्ध थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थीं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमबद्ध था। 2. निर्वाह के तरीके 52, 136, 65, 132, 43 त्याग दिए गए। आरंभिक हड़प्पा स्थल 33, 33। आपने मानचित्रों 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पुरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन मन के तथा अस्थियां 3 के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल हैं। पुरा प्राणिविज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटिक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। 2.1 कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं पर वास्तविक कृषि विधियों के दम्बस दत्त, आमरी नाल, अरब सागर, मानचित्र 2 के क्षेत्र, चित्रकला, पैमाना नहीं दिया गया है। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति ब्लश्ट सिसुवल कोट डीजी। विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बाजा का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृन्मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है।
इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोरतुधई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का चित्र 1.3 पकी मिट्टी से बना वृषभ। ग्रेटर दान चर्चा कीजिए। मानचित्र 1 तथा 2 की आपस में तुलना कीजिए तथा इनमें बस्तियों के वितरण में समानताओं तथा असमानताओं की सूची बनाइए। में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए अल संचयन हेतु किया जाता था। स्रोत 1, पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? चित्र 1.4, धातु के अवतार। क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? चित्र 1.5, धौलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन था। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी, और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है, तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अनेस्ट मैके फर्दर एक्सकेवेशन से मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत। राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियों मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है, तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अनेस्ट मैके फर्दर एक्सकेवेशन से मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत। चित्र 1.6, अवतल बक्की 4/27। नहीं, चर्चा कीजिए। आहार संबंधी आदतों को जानने के लिए पुरातत्वविद किन साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं? पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे।
क्या यह एक उपयोगी नीति है? 2023-4